पहले जो कार सेवा प्रारंभ हुई थी 90 और 92 में, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं दोनों बार 100-100 लोगों को लेके अयोध्या गया था और आज मुझे सौभाग्य मिला। हम लोग 6 लोगों की संस्थाएं टीम यहां से भंडारे के लिए जा रही हैं, उसमें भी मुझे जाने का जो सौभाग्य मिला कि जरूर कार सेवा में गया था उस वजह से मिला और आज रामलला के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वैसे तो पूरा देश इस उत्सव को जोर शोर से मना रहा है, बाकी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है, उस नाते से यहाँ के गांव गांव बच्चा बच्चा राम का हो गया है और छत्तीसगढ़ से जाने वालों का भी अयोध्या में उतना ही सम्मान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का हो सुनते ही वहाँ के मंत्री, संगठन मंत्री सब के सब उनको कोई किस्म की तकलीफ नहीं होने देते। हमारा छत्तीसगढ़ का भंडारा स्थल सबसे पास मंदिर से सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में हम लोग को स्थल दिया गया है और रहने की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। तो ऐसा हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग वहां पे जा रहे हैं और आज हमारी टीम को सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और सारे मंत्रीगण, हमारे नेतागण और कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी भगवा ध्वज दिखा के रवाना करेंगे और आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद भैया। इससे पहले मैं धर्म भैया से बुलवाऊं, मैं चाहूंगा कि पांचों छह समिति से आप नीलांचल सेवा समिति हमारे, मेरी एक समिति है भैया, स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन, जिसके माध्यम से अभी बागेश्वर धाम की कथा हो रही है, दीपक भारद्वाज जी की समिति है, काली मंदिर सेवा समिति दीपक भारद्वाज, जोरदार तालियां बजाएं भैया इनके लिए, क्योंकि यही सब समितियां वहां पर भंडारे का सेवा देंगी, जिसमें गुड्डू त्रिपाठी जी भी है, सुनील जग्गी जी भी है, एक टीम है एग्रोकेट सोसाइटी धीरेन्द्र मिश्रा जी की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। निर्मल द्विवेदी जी और उनकी टीम है सनातन सेवा जी, तक्षति को फॉर्म होगी, छह हो गई, हाँ, तिलदा वाले शिव महापुराण जिन्होंने कराया था उनकी समिति है। अब मैं निवेदन कर